क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ टाटा नेक्सॉन ईवी है। एक मैं दिल्ली वाले जो नेक्सॉन ईवी सोच रहे हैं परचेज करने के लिए या फिर कोई भी ईवी, तो मैं उनके लिए एक छोटी सी स्कीम बताने वाला हूँ या फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि आपको बता होगा कि दिल्ली में जो TPDDL की तरफ से स्कीम है कि आपकी जो मीटर्स पर 200 किलो यूनिट्स तक कोई बिल नहीं होता, जीरो वो होता है, एंड 400 तक एक रिड्यूस्ड चार्जेस होते हैं। तो अगर आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना, लाइक आप अपने हाउस होल्ड में ही वो पूरा मीटर यूज़ करना चाहते हो जिससे कि आपको सब्सिडी का बेनिफिट होता रहे, तो आप अपने ईवीज़ के लिए एक अलग से मीटर भी अप्लाई कर सकते हो जिसका जो फ्लैट रेट है 4 रुपीज़ पर यूनिट है, जिससे आपका हाउस होल्ड वाला जो मीटर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड जो इवन ईवी रिक्शाज वाले होते हैं वो अपने जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं उसमें भी यही मीटर लगवाते हैं, जिससे कि उनका जो 4 रुपीज़ पर यूनिट है वो सेम रहे एंड उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, जो उनकी चार्जिंग कॉस्ट होती है वो फ्लैट रहती है 4 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आप कमर्शियल मीटर देखोगे तो उनकी 6 या 7 रुपये पर यूनिट होती है, एंड अगर आपका जो हाउस होल्ड वाला है अगर वो भी कुछ सर्टन 400 से ऊपर चला जाता है तो उस पर भी 6 रुपये पर यूनिट के आसपास लगने शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक कॉस्ट एफिशिएंट, आप अगर गाड़ी चार्ज ज़्यादा कर रहे हो तो आप 4 रुपीज़ पर यूनिट वाले का आप फ़ायदा उठा सकते हो, जिससे कि आपका कॉस्ट जो है वो कार की अलग से ही कैलकुलेट हो जाएगी कि आपकी चार्जिंग कॉस्ट कितनी लग रही है। पर बताता हूँ कि आप ये जो अपने ई व्हीकल्स के लिए मीटर कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, TPDDL.com एक वेबसाइट है टाटा पावर की, तो उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है न्यू कनेक्शन फॉर ई व्हीकल्स, एंड वहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी अपने कार से रिलेटेड, RC वगैरह जो भी होंगी, एंड तो आप वो डालोगे अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह, तो आपका मीटर का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड विद इन अ वीक और 2 वीक्स तो आपका मीटर इंस्टॉल हो जाएगा। ये है वो अलग मीटर जो ईवीज के लिए अलग से लगाया है TPDDL ने। टाटा मोटर्स वाले भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको अगर अपनी ईवी चार्ज करनी है तो आप किसी भी 3 एम्पीयर प्लग में प्लग करके चार्ज कर सकते हो। आपको टाटा मोटर्स वाले से कितना ही बताएंगे, मगर आपको ये बताना भूल जाएंगे कि आपको इसमें अर्थिंग की भी ज़रूरत होती है एंड वो मस्ट है, वरना आपका जो चार्जर है वो एरर शो कर देगा। यहाँ पर जो आपका घर वाला है, होम वाला जो सिंबल है वो आपका ब्लिंक करेगा या फिर ग्रीन लाइट नहीं आएगी तो शो करेगा कि आपकी चार्जिंग नहीं हो रही। तो आपका जो 15 एम्पीयर प्लग है जो आपको स्लो चार्जिंग करनी होती है उसमें आपको अर्थिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये भाई आपकी अर्थिंग के लिए होता है, जो कोई भी ईवी चार्ज करने के लिए आपको चाहिए होगी टाटा नेक्सॉन ईवी में। आपको अर्थिंग करानी है तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूँ, आप टाटा मोटर्स वालों से, टाटा पावर जो आते हैं उनसे भी करवा सकते हो, बट 5-6 हज़ार आपसे ले लेंगे, बट आप लोकल इलेक्ट्रिशियन से वो आपके मीटर में एक वायर डाल देंगे अर्थिंग की। आप देख सकते हो एक ब्लू वायर है, ये जा रही है बाहर तक, एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर तक ये जाएगी और ये अर्थिंग ग्राउंड में क्लियर हो जाती है, जिससे कि आपकी अर्थिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मुश्किल से 400-500 रुपये का प्रोसेस रहेगा, जिसमें आपकी वायर भी होगी एंड इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।